ऑयल बेस्ड सोप से हम फीमेल्स को सिखा भी रहे हैं और उनसे बाय बैक कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स पर। ऑलमोस्ट 200 लेडीज आर एसोसिएटेड विद अस। क्या प्राइस क्या है इसका? मैम 100 रुपीज के यहाँ पे भी अवेलेबल है अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट एंड आर वेबसाइट है। कोई 329 कोई 545 अलग से, यहाँ पे हमने 100 200 300 रखा है। ओके, सारे सोप्स जितने भी सोप्स हैं 100 के हैं। देखिए यार, आपको मैंने कहाँ की शेयर करा दी है, आपको कितनी अच्छी लग रहा है। सिर्फ शॉपिंग हो रही है, ब्यूटी का सामान है, इसके अलावा फूल पौधे कितना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या था, हम लोग आज घूमने के लिए निकले तो 27 तारीख थी आज हमारी, तो और हम लोग घूमने के लिए चले गए, तो घूमते घूमते क्या हुआ, एक दो जगह घूमने गए, रास्ते में ना हम पूसा रोड की तरफ से निकले तो यहाँ पर देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, इसके आगे से निकले तो यहाँ पर क्या था, गेट इतना सजा हुआ था। उन्होंने पूछा भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखा जी यहाँ पर तो क्या लगा हुआ है, पूसा कृषि मेला लगा हुआ है। और हमने कहा ये कब लगा, हमें तो पता ही नहीं, हमने आज तक कभी भी नहीं गए यहाँ पर मेले में, हमें इसका कुछ आइडिया ही नहीं था। सुना था मैंने कभी कि होता है मेला, पर हमें पता नहीं था कि किस तरह का होता है, क्या है, कभी जाने का सोचा भी नहीं हमने। तो आज चांस की बात है कि हम निकल गए यहाँ पर, तो हमने कहा फिर बाहर गार्ड से पूछा भी कैसे कैसे है इसका, तो उस टाइम 3 बजे से देखो पूसा कृषि विज्ञान मेला लिखा हुआ है, तो ये उसने गार्ड ने कहा कि ये भाई 3 बजे है पर 4 बजे ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डे है। फिर वो कह रहा कोई फ़ायदा नहीं जाने का, 1 घंटा रह गया अब, तो फिर एक दो लोगों से पूछा, कह रहे जी अब तो खत्म होने वाला है, अब क्या करोगे जाके। हमने कहा नहीं एंट्री फ्री थी, हमने कहा चलो कोई बात नहीं चले जाते हैं अंदर, यहाँ तक हैं तो अंदर जाने में क्या हर्ज है। तो बाहर हम मेन गेट से हम अंदर गए, अंदर हम करीब 2 किलोमीटर तक अंदर गए हैं, वहाँ जाकर देख कितना रश है और ये कितना यहाँ पर, देखो इतना बड़ा मेला लगा हुआ है यार, यकीन नहीं हुआ बिल्कुल भी, इतना अच्छा मेला, बहुत प्यारा। और देखो फरवरी की देखो डेट लिखी है, पूसा कृषि विज्ञान मेला फरवरी 25 से 27 2021 ये मेला लगा हुआ है। तो ना हमने कहा ये बड़ा अच्छा, हमें पता होता हम पहले से आ जाते यहाँ पर, देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारे फूल लग रहे थे। फिर हम चले गए अंदर, हमने कहा अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो अंदर इतनी बड़ी खुली खुली जगह, एक तो बड़ा अच्छा लगा, एक साइड में पूरे खेत खेत से थे, सारी फसलें लगी हुई अलग अलग तरह की। तो उसके अलावा देखो इस साइड में पूरा पूरा मेला लगा था, राइट साइड में इंडिया के ना दूर दूर से कोने कोने से किसान आए हुए हैं, और किसानों ने क्या है अपने अपने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, और उनकी जो खास जो चीज़ें हैं वो हैं, बाकी उन किसानों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, जो अलग अलग रिसर्चर हैं जो हैं वैज्ञानिक हैं, उन्होंने नई नई किस्में जो तैयार की हैं किसानों के लिए, जिससे उनकी फसल के लिए फ़ायदा हो, तो वो उन्होंने यहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाए गए। आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपको बोला कि हाँ ठीक है इस पे तो सर्च करिए, और ठीक नहीं सर इसको, ये इनके साइंटिस्टों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये 150 रुपये का है, ये 100 रुपये का, 150 का तेल, 150 वाला ये बड़ा वाला 150 का है, ये ना ये बड़ा देखा ना, वो तो 1 लीटर का होगा ना, 1 लीटर है ये ले लेते हैं, हमने ये सरसों का तेल ले लिया 150 रुपये का 1 लीटर। इसके अलावा देखो बाकी यहाँ पर कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे सूखी गिलोय और ये है नागर मोथा बीज, ये हमें इतना मालूम नहीं है, किसी को मालूम हो सकता है। अच्छा इंद्रियन बीज बड़े यूजफुल बीज हैं, अच्छी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, जिसको पहचान ले सकते हैं। ये देखिए लड्डू का पैकेट, बहुत इतनी वैरायटी थी, पता नहीं अलग अलग तरह के लड्डू मैं पहली बार खाए, पर टेस्ट भी बहुत किए हैं और लिए भी हैं, आपको घर जाकर दिखाऊंगी। कौन सा घी है, कितने का है घी, घी क्या रेट है? 380 रुपये का 1 किलो देसी घी, बहुत सस्ता है, पर ये सिर्फ डिस्प्ले का था, कहते कार्ड ले 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 लीजिए आप मंगवा सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ लिया नहीं अभी, होता तो खरीद लेते हैं। पर ये गाय का है भैंस का है, गाय भैंस दोनों का मिक्स है, मिक्स है दोनों का, ऐसा भी होता है हमारे तो अलग अलग मिलता है। नहीं नहीं, और ये देखिए ये है बिस्किट, बिस्किट ऐसा लगता है कि नॉर्मल चीज़ है पर नॉर्मल नहीं है, ये मशरूम के बिस्किट है, देखिए मशरूम लगे हुए हैं, कितने नेचुरल ऑर्गेनिक मशरूम्स हैं, नीचे खाद और मिट्टी के जैसे इन्होंने मटेरियल तैयार किया, सबसे मशरूम दिखा रखे हैं, और सारे मशरूम के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, बहुत ही डिफरेंट वेराइटी हैं, ऑर्गेनिक सामान, टोटली ऑर्गेनिक सामान, बढ़िया जाता है। मतलब ये प्योर है,
ये मशरूम बिस्किट है, ये मशरूम बिस्किट है, खाद है या मिट्टी खाद, नीचे खाद है ये मशरूम बिस्किट है देखो, और हनी कैसा है, हनी क्या रेट है, ये 240 रुपए आधा केजी। मशरूम का क्या है, ये मशरूम प्लांट हमारे कितने का है, कितने का लिखा है रेट, 360 तो धनिया लेते हैं, धनिया महंगा हो जाता है, 2 रुपए का धनिया लेते हैं, धनिया तो लगाना आता ही है मुझे ना, 30 रुपए का है ना, वही होगा जो तुम लगाते हो, नहीं वो कहते फूल आते हैं अलग अलग लगता है, गमले में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी ना, मसल के हाथ से मसल के लगा दो हल्का सा ना, धनिया कितना मिट्टी के ऊपर कितनी इंच रखनी है, 1 इंच एक गमले में करीब कितना, कितने दाने डालो, कितना डालो इसे पैकेट सारे एक गमले में, मिर्च का है, मिर्च का मिर्च है खत्म हो गई, तोरी इसको गमले में उग जाएगी क्या, है भैया तोरी लग जाएगी गमले में, चलो लगाते हैं, चिल्ली चाहिए और हाँ चिल्ली चाहिए ना मुझे, जो घर में लग जाए ना गमले में वो चीजें दो मुझे आप, टमाटर भी लग जाएगा ना, गमला बड़ा चाहिए छोटा मतलब नॉर्मल, तो एक टमाटर भी दे दो मुझे, 30 रुपए का पैकेट है 30 का, और क्या है, धनिया भी हो गया, हरी चुलाई है, लाल चुलाई है, बस वही लेते हैं, ये कितने का, 30 रुपए, यही सुनो सीखे 4 पैकेट ले लो ये वाले, ये स्प्रे बॉटल क्या रेट है, 200 का, इसमें कलर्स भी हैं, रेड भी है, व्हाइट भी है, येलो, और ये वाला जो है ये व्हाइट वाला बड़ा, ये वाला मैम ये बड़ा वाला है ना, ये 200 का है, इससे छोटे वाला 150 का, अच्छा, और ये वाले, ये 100 का, इससे छोटा है, 100 का, ये 100 का, और यहाँ पर गमले बहुत ही सस्ते थे, ऐसे प्लास्टिक के गमले थे यहाँ पर, अलग अलग वैरायटी के, चौड़े छोटे अलग अलग स्टाइल के डिज़ाइन के थे गमले, और रेट भी बहुत ही रीजनेबल थे, इन्होंने लास्ट डे था, इन्होंने बताया रेट हमने काफ़ी कम कर दिए हैं, ये जो गमला है ये मैंने धनिया के लिए लिया है, क्योंकि मुझे इसके चौड़े मुँह वाला चाहिए था खुला जो, तो ये जो है ये 100 रुपीज़ का केवल पीस, इतना बड़ा गमला है ना 100 रुपीज़ का, ये लिया है मैंने, इसके अलावा देखिए अलग अलग गमले हैं, कोई 50 का, कोई 60 का, इस तरह के हैं, और ये स्टैंड जो बने हुए हैं, स्टैंड 350 का, 300 का प्लस, ये वाले 60 का, 50 का हो जाएगा, ऑल दीस आर ऑल मेड फ्रॉम फ्लावर्स, मतलब व्हाटएवर इज कम्स आउट फ्रॉम द टेंपल्स एंड ऑल, क्रश करके उसको क्रश करते हैं, और सर इसके अंदर 16 तरह की जड़ी बूटियाँ मिला रखी हैं, बिकॉज हेयर प्योरीफायर का काम करते हैं। अच्छा क्या लिया आपने, कौन सा फूल लिया है, चक्कर है ये बुरा भी चक्कर है, ये चक्कर है सर, ये कलर इसका वो नहीं आ रहा ना, ब्राउन सर, इसको खा लो आप, और अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी है तो बताओ, कहाँ से आए आप, ये मुजफ्फरनगर से, गांव रसूलपुर, मेरे को भी चप्पल देना, ये तो हमने ये देख कर सर प्लीज, सर इसकी 100% गारंटी है, 70 रुपए है सर ये यहाँ के लिए, कितने नहीं है, 2 किलो ले लो, यहाँ बहुत अच्छी है, ये क्या रेट है,
ये सत्तर अच्छा टेस्टी है भैया दोनों चीजें ये क्या चीज है बॉटल में ये मैम गन्ने का सिरका और जामुन का गन्ने का सिरका जो अपना सिरका होता है वही वाला है क्या गन्ने का सिरका आप एक बार चेक करो शायद एक तो चीज नहीं ये सर जो जामुन का सिरका वो तो आता है शुगर और गन्ने का सिरका जो आप तो फायदा होता है लेने का और आपका कच्चा पपीता होगा सलाद में आपने मुझे प्याज में सिरका डालते हैं हम लोग लेते हैं वो कौन सा गन्ने वाला होगा ना वो तो जो प्याज में सिरका डालते हैं तो गन्ने वाला सिरका लेते हैं और हमने यहाँ से काफ़ी सामान ले लिया है हमसे सिरका ले लिया हमने यहाँ से गन्ने का प्योर सिरका था और उसके अलावा 2 किलो शक्कर 2 किलो गुड़ यार बहुत टेस्टी था फ्लेवर ही अलग था मैंने और को काफ़ी सामान लिया है आपको घर जाकर दिखाऊंगी फ़ोन की बैटरी जो है वो खत्म हो रही है बिल्कुल ही तो इसलिए आगे वीडियो बन नहीं सकती आपको घर में जो सारे शॉपिंग की आपको दिखाऊंगी तब तक फिर चलते हैं बाय बाय सी यू।